जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज कुछ लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी से मेरे पास आए थे टू डिस्कस अबाउट देयर फ्रीलांसिंग करियर, और उसमें से जो एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन था वो ये था कि हम लोग अपवर्क पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, $50, $100, $1,000, $2,000। $2,000 से $40,000, $50,000, $60,000 पे कैसे मूव किया जाए और स्किल सेट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाया कर देते हैं, दो तीन साल तक $200, $300, $1,000, $2,000 में फंसे होते हैं। क्यों? क्योंकि घर के अखराजात चल रहे हैं, रोजी रोटी लगी हुई है, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो बस वहाँ फंसे होते हैं और रात दिन लगा देते हैं हम 2,000 के लिए। तो अगर रात दिन लगाना है तो 2,000 की बजाय 20,000, 30,000, 40,000 के लिए क्यों ना लगाएं? तो सबसे पहली बात, कोई क्लाइंट आया, वो आपसे ट्रैवल एप्लीकेशन बनवाना चाहता है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू डाउनलोड डिफरेंट ट्रैवल एप्लीकेशंस, डाउनलोड, गो टू डिफरेंट वेबसाइट्स, क्रिएट योर अकाउंट एंड सी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी और आप उस क्लाइंट को एजुकेट कर पाओगे। अगर मैं ये वन लाइनर में आपको बताऊँ ना कि मैंने $50 से $1,000,000 तक का सफ़र कैसे किया, मैं एक लाइन में आपको समझा सकता हूँ, एंड दैट इज़ कि कभी ये ना देखो कि क्लाइंट क्या मांग रहा है, हमेशा ये देखो कि क्लाइंट क्यों मांग रहा है, उसका मसला क्या है। 100% ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट आपसे आके कुछ मांग रहा है तो वो कुछ ना कुछ मसला हल करना चाहता है, वो कुछ बिजनेस करना चाहता है। अगर आप उसकी मेंटेलिटी समझ जाओगे तो आपको सोचना आसान हो जाएगा, आपकी रिसर्च आसान हो जाएगी, आप उसको वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। क्लाइंट जब आके प्रोजेक्ट देखता है ना गोरा, तो वो ये देखता है कि इस बच्चे को प्रोजेक्ट देने के बाद मुझे टाइम भी देना पड़ेगा, गाइड भी करना पड़ेगा, एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, तो उसमें तो उसका बहुत टाइम लगता है, तो वो आपको ज़्यादा पैसे क्यों देगा? अपना टाइम तो सबको प्यारा होता है। ऑन द अदर हैंड, क्लाइंट को अगर आप ये मैसेज देते हो कि भाई आप बहुत समझदार हो, आप उसके प्रोडक्ट को समझते हो और आप उसके प्रोडक्ट का ख्याल रख सकते हो और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो, उसका टाइम नहीं लगेगा, तो वो आप पे इन्वेस्ट करेगा। तो पहली गलती करते हैं हम, रिसर्च नहीं करते और क्लाइंट से सवाल करना शुरू करते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बता दो, वो इतने सवाल करते हैं कि उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि यार हम खुद से नहीं सोचते और सारा काम वो हमें बताएगा। दूसरी मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, जब आप $1,000 या $2,000 का एक प्रोजेक्ट क्लोज कर लेते हो, वो आपकी प्रोफाइल पे आ जाता है, क्लाइंट रिव्यू देता है, तो आप एक गलती करते हो वहां पे। जब उस जैसा कोई और प्रोजेक्ट आता है और आप वो काम पहले कर चुके होते हो, तो आप उसका भी 2,000 मांगते हो या 3,000 मांग लोगे मैक्सिमम। यहां बच्चे डर जाते हैं कि कहीं क्लाइंट भाग ना जाए। भाई उस वक्त आप एक्सपीरियंस हो, अपनी वैल्यू को समझो, अपनी वैल्यू को समझो और अपनी वैल्यू के मुताबिक रेट मांगो और उस रेट को जस्टिफाई करना सीखो। मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं कि वैल्यू कैसे समझनी है। आप देखें कि आप किसी मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाएं, वो 200 में ट्रीटमेंट कर देगा आपका, और किसी प्राइवेट एक्सपेंसिव क्लिनिक पर जाएं, वही काम वो डॉक्टर 2,000 से 3,000 लेके करेगा और आप हंसते हंसते देंगे, और वो हंसते हंसते मांगेगा। वो इसलिए मांगेगा कि वो जानता है कि मैं एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हूँ, मैं इसका मर्ज ठीक कर सकता हूँ, और आप सिर्फ इसलिए उसको हंसते हंसते पैसे देंगे क्योंकि वो महंगा है, इसका मतलब है वो एक्सपीरियंस्ड है। समटाइम अपवर्क पे यही होता है, जब सारी दुनिया $200 पे काम करने को तैयार होती है और एक बंदा $1,000 आके मांगता है और वो उसको जस्टिफाई भी कर सकता है, तो क्लाइंट को लगता है ये ज़्यादा एक्सपीरियंस, इसके पास स्किल है। अब मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ, ये कल ही की एग्जाम्पल है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, जब हमने देखा कि उसके ऊपर एवरेज रेट जो लोगों ने दिया हुआ था वो $10,000 से $15,000 दिया हुआ था। जब मैंने रिक्वायरमेंट स्टडी की, क्लाइंट ने बोला कि हमें एक ऐप भेजी, कहा कि इस एप्लीकेशन को क्लोन कर दो, मतलब डुप्लीकेट कर दो, कॉपी कर दो, इसके सारे फीचर देखो, और मैंने भी ऐसी एप्लीकेशन बनवानी है। अब किसी ने 10,000 दिया, 12 दिया, 8 दिया, 15 दिया, उसका एक्चुअली जो मैंने रेट दिया वो $45,000 दिया। क्लाइंट का तो दो मूड खराब हो गया, कहता वाओ दिस इज इनसेन, व्हाट द हेल इज दिस, $45,000 व्हाई। मैंने उसे कहा यार कॉल पे आओ, लेट्स टॉक अबाउट इट। कॉल पे आया मेरे साथ,
मैंने उसे कहा जो आप एप्लीकेशन क्लोन करवाना चाहते हो ना, उस एप्लीकेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं, एक उसके अंदर डीप लर्निंग लगी हुई है और एक उसके अंदर मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। जिन लोगों ने आपको 10,000-12,000 दिए, सिर्फ उनसे सवाल पूछ लो, उनको जाके मैसेज कर दो और पूछो क्या वो बता सकते हैं कि डीप लर्निंग का कौन सा एल्गोरिथम लगा हुआ, मशीन लर्निंग का कौन सा एल्गोरिथम लगा हुआ और कहाँ लगा हुआ है। अगर वो लोग आपको सही जवाब दे देते हैं तो ये प्रोजेक्ट उनको दे दो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये लोग आप जो लोग आपको $10,000-12,000 का रेट दे रहे हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सही से समझा नहीं है, इस एप्लीकेशन को सही रिसर्च नहीं किया। मैंने किया है, $45,000 लूँगा, आपने करना है, आई एम हैप्पी, अदरवाइज मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं अपना बिजनेस वेस्ट करूँ, लेकिन मैं नुकसान भी नहीं कर सकता। ही सेड ओके, गिव मी अ टाइम। सिर्फ 2 घंटे बाद वापस आया, कहता यार कोई रियायत हो सकती है, तो मैंने उसको $42,000 पे क्लोज कर दिया। अब इमेजिन करें, मैं भी $12,000 देता, वो मुझे प्रोजेक्ट दे देता, काम तो था $42,000 का, मेरा करियर डेवलप होता या डूब जाता, मैं तो मुसीबत में फंस जाता। हाँ, मानता हूँ कि मेरा प्रोफाइल एडवांस लेवल का है, लेकिन कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको किसी फिगर्स की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एतमादी के लिए आपको कोई बैंक में लाखों करोड़ों रुपये होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोफाइल के ऊपर 1,000 स्टार होने की ज़रूरत नहीं है। खुद एतमादी इंसान खाली जेब खाली पेट भी अपने अंदर पैदा कर सकता। व्हेन यू आर टॉकिंग टू द क्लाइंट, बी कॉन्फिडेंट, शोखियाँ नहीं दिखानी, बी कॉन्फिडेंट। अगर आप वाकई मेहनत करके उसके स्पेसिफिकेशन को समझ गए और जस्टिफाई करना आता है, तो अगले क्लाइंट से 2 की बजाय 4 मांगो। अब जब $4,000 वो आपको देगा, मेहनत करके कर लो, एजुकेट करो, ट्राई टू अपसेल, यू नो, उसको कम्युनिकेशन टाइमली दो, रिस्पांस टाइमली दो, काम ठीक से करो, अच्छे तरीके से काम करो, हंसते हुए उसके साथ बात करो, उसको लगे कि ये बहुत डिपेंडेबल आदमी है, फिर उसको बताओ कि इसमें ये एप्लीकेशन में ये फीचर भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। जब वो कन्विंस होगा तो आपको अगला काम देगा, ज़्यादा पैसे आएंगे, तो हम इसे कहते हैं अपसेलिंग। क्या आपने जो 4,000 का प्रोजेक्ट लिया था, आप उसको 8,000 पे ले गए हो। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा पहला प्रोजेक्ट $50 का था, जो तकरीबन $60,000 तक गया था, $50,000 से $60,000 तक गया था, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, बट इतना ही मार्जिन था। तो अपसेलिंग करो। अब जब $4,000 का प्रोजेक्ट को अपसेल करके आप 8 पे ले गए और क्लाइंट ने क्लोज किया, तो अगला क्लाइंट जब आएगा, वो आपके रिव्यूज देखेगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि इसने अगला प्रोजेक्ट $8,000 में लास्ट प्रोजेक्ट इसने किया, तो उस क्लाइंट के माइंड में एक बात आएगी कि आपकी जो कीमत है वो तकरीबन $8,000 है। अब वो आपको $200 ऑफर नहीं करेगा, ना ही $20,000 ऑफर करेगा, याद रखना। इमेजिन करें कि मेरे प्रोफाइल के ऊपर सारे प्रोजेक्ट $50,000, $50, $100, $200 आ रहे हैं, और अचानक से मैं किसी क्लाइंट से $40,000 मांग लेता हूँ, वो तो हंसेगा। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि आप किसी खोखे पे जाएं, वो जो खोखे छोटे छोटे 5 शॉप्स नहीं होते, उस बंदे के पास कोई फ़ोन पड़ा हो या कुछ भी, वो आपको बेचना चाहता हो, आपसे कहेगा ये मेरे पास फ़ोन है, मैं लेके आया हूँ, 4-4 लाख रुपए के हैं। आपको अगर लो जी 4 लाख का फ़ोन तो बड़ी दुकान से मिलेगा, चमकीली दुकान से मिलेगा, एप्पल के स्टोर से मिलेगा, 4 लाख का फ़ोन खोखे से ज़रूरी नहीं मिलेगा, आप उस पर एतमाद नहीं करोगे। आप उसे कहोगे जाहिर 4 लाख का तेरा पूरा खोखा नहीं होना, तूने मुझे फ़ोन 4 लाख रुपए का कहाँ से दे देना। आप अपनी वैल्यू एक सेट कर रहे हो, एक इमेज सेट कर रहे हो क्लाइंट के माइंड में। इसलिए अक्सर मैं $5,000-10,000 के नीचे के प्रोजेक्ट करता ही नहीं हूँ। आप क्यों? क्योंकि जब मेरे प्रोफाइल पे $5,000 का ऊपर प्रोजेक्ट खड़ा होगा, $7,000 का खड़ा होगा, तो मैं क्लाइंट से $40,000-50,000 नहीं मांग सकूंगा। वो कहेगा ये तो इतने छोटे कामों में भी राजी हो गया था, उसको इतना ज़्यादा क्यों दें। बच्चों को ईद देते हो ना, जो बच्चा 100 रुपये लेके भी छलांगे लगाएगा, आप उसको कभी 1,000 रुपये दोगे? कभी नहीं दोगे। आपको पता है 100 रुपये है ना, बहुत प्यार आएगा, 200 रुपये दे दोगे। यही होता है, आप अपनी रेपुटेशन एक सेट करते हो, आप अपनी वैल्यू नहीं समझते, आप डर के मारे अपना रेट गिरा देते हो, या जब काम कर रहे होते तो रिसर्च नहीं करते, वैल्यू एडिशन नहीं करते, क्लाइंट को अपसेलिंग नहीं करते, प्रोजेक्ट को ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करते, वो नीचे ही ख़त्म हो जाता है, नीचे ही ख़त्म होकर आपकी प्रोफाइल के पर लग जाता है, प्रोफाइल पर लग जाता है तो आने वाले हर क्लाइंट को मैसेज देता, देखो इस बंदे की वर्थ ही है। सो अगर आपने $50 से $60,000 तक किसी क्लाइंट को लेके जाना है, 2 काम बहुत ज़रूरी हैं, रिसर्च, वैल्यू एडिशन, कम्युनिकेशन,
कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, एंड इन सब के ऊपर अपनी वर्थ समझें, अपनी वैल्यू समझें। अगर अल्लाह ने आपको स्किल दी है, आपने मेहनत की है, आपको लगता है कि आप कोई काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, तो अल्लाह पे भरोसा रखें और ठीक पैसे मांगें अपनी स्किल सेट के मुताबिक। घबरा के नहीं, डर के नहीं कि पता नहीं क्लाइंट पैसे नहीं देगा तो क्या होगा। मुझे पता है जब घर के अखराजात सर पे होते हैं, जिम्मेदारियां सर पे होती हैं, उस वक्त इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और यही वो लम्हा होता है, यही वो घड़ी होती है जब इंसान ने फैसला करना होता है कि मैंने अपने आप का क्या रेट लगाना, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले अपना स्किल सेट बढ़ाएं, फिर उस स्किल सेट को उस वैल्यू के मुताबिक मार्केट में बेचें। आपका रिस्क आप तक पहुंच के रहेगा, उसे कोई गोरा काला नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। आपकी किस्मत में $1,00,000 का प्रोजेक्ट है तो आपकी किस्मत में पहुंच के रहेगा, पर सवाल ये पैदा होता है कि $1,00,000 का प्रोजेक्ट आपकी किस्मत में आएगा क्यों? मेहनत से, स्किल डेवलप करने से। अल्लाह तो देख रहा होता है ना जब आप लोग मेहनत कर रहे होते हो, उसी हिसाब से आपको मिलना। तो बंद कमरे में मेहनत करना शुरू करो, स्किल सीखना शुरू करो। डिजी स्किल आ रहा है, एक एक बात पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, समझो। उस पे मैंने ये टॉपिक डिटेल से कवर किया, थोड़ा टाइम निकाल के तवज्जो से उसको सुन के समझोगे ना, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। याद रखें, कोई सिल्वर लाइन नहीं होती। अगर आप कहें ना कि किसी मेंटर के पास जाऊंगा, उसके पास कोई तवीज़ होगा, वो आपको देगा, वो आप खाएंगे पानी में घोल के, क्लाइंट को पिलाएंगे, खुद पिएंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। याद रखें, आपको खुद करना है, बस डरना नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, टिका के मेहनत करो और ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करो, रिसर्च करो, वैल्यू एडिशन करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, काम क्वालिटी से दो, अप सेलिंग करो, यू विल गेट बिगर प्रोजेक्ट। भरा पड़ा है अब वक्त बिगर प्रोजेक्ट के साथ, दो दो तीन तीन लाख डॉलर के प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। मजीद बात करेंगे डिजी स्किल में, और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।